अंदर जो भी घेरा होता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा हम इसकी करते हैं कि उन्हीं के आरा में भोजपुर जहाँ कार्यक्रम है वहीं के सांसद के साथ अगर धकेला गया, ठेल के बाहर किया गया है, तो हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अरे बहुत, अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया है, और सीएम की सुरक्षा में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई एमएलए मंत्री या आपका एमपी वगैरह नहीं रहता है, अधिकारी केवल रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, और रवाना होने के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से आरा में जो घटना घटी, सांसद को सिक्योरिटी के द्वारा ठेल दिया गया, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उस दौरान जो है उसे ठेल दिया गया, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो भाषण होता था, अब जो है वो तमाम जगहों पर भाषण को अधिकारियों ने खत्म कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जो मंत्री होते थे वो भाषण देते थे, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई है, क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए। दिल्ली का है, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जो यात्रा जा रहे, यात्रा पर कार्यकर्ताओं को आपने टिप्स दिया है कि ऐसे न करें, ऐसे करें, एक नॉर्म्स बना हुआ है, जाना है तो हम लोगों को कार्यकर्ता से मिलना है, उनसे संवाद करना है, क्या दिक्कत है, संगठन मजबूत कैसे होगी, उनसे सुझाव भी लेना है, हर तरह की बातें होंगी। तो कम से कम एक जो भी अपने दल के कार्यकर्ता है और नेता की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद जो है करता रहे। तो हम लोग जब जाएंगे जिले, सब लोगों से अच्छे से बात होगी। आरा में घटना घटी है, वहाँ पे लोकल एमएलए अच्छा कैसे बहुत, अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया है, और सीएम की सुरक्षा में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई एमएलए मंत्री या आपका एमपी वगैरह नहीं रहता है, अधिकारी केवल रहते हैं, अंदर जो भी घेरा होता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा हम इसकी करते हैं कि उन्हीं के आरा में भोजपुर जहाँ कार्यक्रम है वहीं के सांसद के साथ अगर धकेला गया, ठेल के बाहर किया गया है, तो हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री कई बार जो है दौरा करते हैं, बड़ी बड़ी योजना होती है तो मुख्यमंत्री का उन अधिकारियों ने भाषण छोड़वा दिया है। पहले कोई भी कार्यक्रम होता था, कहीं का भी उद्घाटन होता था, शिलान्यास होता था, तो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, विभागीय मंत्री हो, वो वक्तव्य दिया करते थे, भाषण दिया करते थे योजना को लेकर के। लेकिन इन चुनिंदे अधिकारियों ने तो मुख्यमंत्री का भाषण छोड़वा दिया, आप पता नहीं क्या कारण। आप लोगों देख लीजिएगा, एक एक योजना, बड़ी से बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री भाषण नहीं देते। अभी राजगीर में भी जो हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कोई भाषण नहीं, कहीं भी हो जाए, रोड का हो या कुछ भी हो, कहीं कुछ ये नहीं बोला। सर एनडीए में बाढ़ शुरू हो गया है, बाढ़ से जेडीयू में संजय सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में, राजेंद्र सिंह यादव वहां से बीजेपी से, अब ये लोग कौन है, क्या कहता है, क्या करता है, ऐसे बहुत।